तो आपकी चेहरा बड़ा उतरा हुआ है रोजे कैसे डाल रहे हैं दूसरा मैंने मैसेज दिया दर्द है दिल के वास्ते पैदा किया इंसान अल्लाह को पता है मुझे पता है मेरी आंखों में फिर आंसू आ जाती हैं जिस तरह उसने मुठ्ठी को क्लोज़ किया तो जो मैं बात मुझे एतराज़ नहीं है ब्रांडेड कपड़े पहनने पे खानों पर अल्लाह ने दिया है वो नज़र भी आना चाहिए कोई ऐसी बात तो पाँच बंदे मंतख करें अपने इर्द गिर्द कम्यूनिटी पर नज़र करें कोई पाँच जरूरतमंद मंतख करें जो ब्रह्म वाले हैं जिनका ब्रह्म अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है वो जानते हैं ये अल्लाह जानता है बेटियाँ जवान हैं बेटे जवान हैं पढ़ाई चल रही है एक्सपेंडिचर पूरे नहीं आ रहे तब तबका है रेवनीू मुश्किल है मतलब आपको मुझसे ज़्यादा पता है सिचुएशन तो इस टेंथ सिचुएशन में किसी के ज़ख्मों पर मरम रखें इसमें ना गवर्नमेंट आती है ना सरकार आती है ना स्टेट आती है इसमें इखलाकी तौर पे एज ए मुसलमान मैं खुद आता तो ये बच्चों मेरा मैसेज है पहला मैंने मैसेज दिया शुक्राने का दूसरा मैंने मैसेज दिया दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान कोई बस अपने गिर्द हालात की नजर रखे जो तो आपकी नज़र में डिजर्विंग है और इतने चुपके से दें इतने चुपके से दें मैं हमेशा इसको एडवोकेट करता हूँ अल्लाह को है दिल से मैं जज्बाती भी हो जाता इतने चुपके से दें कि अल्लाह के नबी के हदीशिफी का मफूम है कि एक हाथ से दें और दूसरे को पता ना चले सिस्टम में जो चीज़ सामने आ रही है वो तो आनी आनी है कि आपने ट्रांसपेरेंसी के लिए करने हैं वैसे देने हैं लेकिन कोशिश करें कि मिनिमम असेंशल्स को पता चले और उसका भरम ना आपको पता उसको पता और अल्लाह को पता दिल से कह रहा हूँ दिल से उस दिन मैं बड़ा ये रमज़ान के मिट्ट की बात है बीच में आ रहा था तो मैं कहीं से निकला जगह नहीं बताऊँगा तो ऐसे गाड़ी में बैठा तो एक बंदा मेरे पास हैल हल्का था तो मैंने कहा आपकी चेहरा बड़ा उतरा हुआ कैसी रही है रोजे कैसे डाल रहे हैं कहते हैं बस वो चल रहे हैं परसों से परेशान तो मैंने कहा क्या हुआ तो कहते वो ना मेरी बेटी की फीस नहीं है तो उन्होंने बुला के बड़ी बु� इंसल्ट किया है स्कूल वाले बच्चे तो बेचारे के और बड़ा दो लेवल का खड़ा था तो मैंने कितने बच्चे हैं खैर उसने बच्चों की तादाद बताई तो उसका चेहरे उतरे से मैंने पढ़ लिया सच कह रहा हूँ आंखें ज़बान बन जाती माथा बातें करना शुरू करता है मैं आंसू आ जाते हैं या अल्लाह मुझे आज में रखना या अल्लाह मुझे किसी का मताज ना करना अल्लाह मुझे इस काबिल मेरे मुझे इतना, मुझे इतना दे मुझे इतना दे मुझे इतना दे सिर्फ अपना मोताज रख बंदों में किसी का मताज ना करना और मेरा पर्दा रखा तो वो मैंने जब, जब ज़्यादा हल्का सा पूछा तो उसने कहा जी मेरी बच्ची है तीसरी चौथी क्लास तो दो बच्चियाँ उनकी फ़ीस नहीं जा रही और कह रहे हैं कि कैंसर वो नाम काट देंगे तो बिलीव यू मी जब मैंने रकम पूछी आपको वैसे मोटिवेशन के बला तो टोटल अमाउंट पाँच छः हज़ार रुपया थी अच्छी खासी अमाउंट है बन जाती तो मैंने कहा ये इस बात पे आप कहते मैं बहुत परेशान हूँ मैं रात भी नहीं सोया तो अल्लाह ने हिम्मत दी किसी को किसी तरीके से बाहर उसको दे दिए मैंने मैंने कहा ये आप चुप करके बंद जाएं, तो क्या हुआ उसको खुश रखी करे मैंने चौबीस घंटे बाद चेहरा देखा और आज तक वो चेहरा देखता वो है, मुठी को पता है मुझे पता है मेरी आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं जिस तरह उसने मुठ्ठी को क्लोज किया और जो उसकी आंखें दी मैं मुझे जाते मैं भूल नहीं सकता अभी भी मिलते हैं हम दूसरे देखते हैं क्या हाल है उसका भरम भी अल्लाह ने रखा मेरा भरम भी रखा तो छुपा दें लोगों के गम छुपा दें मैं सच कह रहा हूँ छुपा दें अगर आप लोगों के गम छुपाएंगे तो अल्लाह आपके गम छुपा देगा अगर लोगों को इज्जत देंगे तो अल्लाह आपको इज्जत देगा अगर लोगों के भरम रखेंगे तो अल्लाह आपका भरम रख देगा लोगों को शर्मिंदगी से बचाएंगे तो अल्लाह आपको शर्मिंदगी से बचा देगा लोगों को रेडिक्यूल कोई कर रहा है तो रोक देंगे ना करो यार ये नहीं बनता रेडिक्यूल नहीं होने दूंगा तो अल्लाह तला आपको आपकी सरेआम बिजली से आपको बचा ले खुला हाथ रखें अल्लाह की मखलूक है भाई मुझसे ज़्यादा स्मार्ट था वो बंद मुझे खूबसूरत था तो मैं बड़ा आते और जाते रोज़ा था दोपहर का टाइम था तो मुझे बाद में वाइफ ने पूछा आप चुप है मैंने कि मैं पूरा रास्ता सोचता आया ये मेरा और अल्लाह का मामले में यार इस अमाउंट के लिए ये इतना कंप्रोमाइज़ हुआ हुआ है उसको कोई पाँच छः हज़ार की एक रफ्तारी खड़ा कर रहा है एक रोटी खा रहा है पाँच छः हज़ार के हम लुटम जा रहे हैं आ पाँच हज़ार कुछ भी नहीं लोग बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं जाएँ ब्रांडेड दुकानों पे देखें खानों की जगहों पे देखें तो जो मैं बात मुझे एतराज नहीं है ब्रांडेड कपड़े पहनने पे खानों पे अल्लाह ने दिया है वो नज़र भी आना चाहिए कोई ऐसी बात लेकिन खुदा रहा खुदा रहा खुदा रहा फजूल खर्ची कर ना करें चल सकते हैं ना ये सूट चल सकते हैं ना ये कोट तो ना लूँ यार इस दफ़ा अगली दफ़ा ले लूँगा कुछ नहीं होता अच्छा लग रहा है ना ड्राई क्लीन करा इसको ड्राई क्लीन करा के ये पैसे बचा के अगर मेरे देश के किसी का कोई मल्टीविटाम उसको प्यार का मोहब्बतों का मिल जाए उसकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी आ जाए उसके किसी बच्चे की फीस हो जाए उसका खाने का चाल या कोई स्पोर्ट जो है बढ़ा दूँ उसको खोल दूँ उसको वो कहते हैं एक बुज़ुर्ग की मैं पढ़ रहा था बुक में कि नमाज की कज़ा है खिदमत की कज़ा नहीं क्या बात क्या बात क्या बात गालबर हज़रत वासफ अली वासफ़ साहब की सही गई नमाज की कज़ा है खिदमत की कजा नहीं है नमाज की कज़ा तो हम पढ़ लेते हैं मालिक से मामला है भाई फिर थ्रू हो जाता तो खिदमत जिसको उस लमे जरूरत है वो लमह उसका क्रिटिकल है किसी का हॉस्पिटल में दाखिल है किसी को पैसे चाहिए उसके इलाज के लिए किसी की ज़िंदगी है मल्टीविटन वो लाइफ सेविंग ट्रक चाहिए किसी की बेटी का तलीम का मामला है दाखला रुका हुआ है दोबारा तो नहीं आएगा टाइम वो सेमेस्टर दोबारा नहीं आएगा वो इम्तान दोबारा नहीं आएगा सो सर्व कम्युनिटी वो दर्द फील करें वो दर्द सारे आप और मैं हाल नहीं कर सकते ये भी जेन में रखें क्योंकि तो एक, एक मुझे अच्छी तरह वो कुरान शरीफ की आयत भी याद है उसका मफूम याद है वल्ला ने कहा अल्लाह के नबी आपके ज़िम्मे बस पैगाम पुँचा दें हिम्मत करें उसके बाद मामला अल्लाह पर छोड़ दें तो हम तो भाई प्रॉक्सी लगवाने वाली पार्टियाँ खुल के कहता हूँ ना मेरे पास इतना बजट है ना इतने फंडस हैं ना इतनी चीज़ें मेरे पास तो नीयत है और नीयत का खटा ही खाना है इन्ना मल अमाल बिन नियत, जब आपने अच्छाई की नीयत कर ली बेशक ने अमाल का दारोमदार नीतों नहीं तो जब मैंने अच्छाई की नीयत कर ली तो मेरा अकाउंट ऑन शुरू हो गया मेरी आर्जी के बैंक अकाउंट में लिखा जाने लगा कि इस बंदे ने अच्छा सोचा ये मोहब्बत रखता है किसी के दर्द रखता है तो अल्लाह ने पथ नहीं उसके सदके